आरपीडी न्यूज की टीम पहुंच जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति अर्थना। पंचायत समिति अर्थना से नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य सलेंदर रोत ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा उद्देश्य रहेगा, वे साथ ही क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास कार्य करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ खास मुलाकात में युवा नेता सलेंदर रोत जी के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति अर्थना के जो डायरेक्टर बने कांग्रेस पार्टी से छेलू भैया उर्फ शैलेंद्र जी रोत, उनसे खास मुलाकात करते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या रहेंगे। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति में यूथ है वो हर जगह आगे आ रहे हैं और समाज सेवा के अंदर अपनी अहम भूमिका है वो अदा कर रहे हैं। वैसे तो छेलू भैया है, शैलेंद्र जी है, जो पहली बार ये है नहीं है कि समाज के अंदर पहली बार या डायरेक्टरी के अंदर इन्होंने चुनाव लड़ा है, पहले भी समाज के अंदर इनकी अहम भूमिका रही है। विधानसभा चुनाव में भी अक्सर इनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो विशेष बातचीत शैलेंद्र जी से। सर नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों के साथ। कैसे महसूस हो रहा है शैलेंद्र जी डायरेक्टर बने हो? एक्चुअल इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया और इस पद पर बैठे हैं। मैं सबसे बड़ी तो इस माध्यम से मोटी बस्सी की महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बस्सी पहुँच के लड़ा अदर पंचायत में जी, और उन्होंने भर भर के प्यार दिया जी जी, और इतने बड़े लीड से मुझे जो जीत दी उसके लिए मैं मोटी बस्सी पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ जी जी। शैलेंद्र जी, पूर्व राजनीतिक परिचय बताइए, पहले भी किसी पद पर रहे हैं, किस प्रकार से आपकी राजनीति में उन्नति हुई, कौन है आपके राजनीति गुरु, किसने आपको इस कदम पर चलना सिखाया जी? मैं सन 2000 से 2006 तक ब्लॉक अध्यक्ष रहा गढ़ी का। उस समय क्या होता था, एसटीएससी दोनों ब्लॉक साथ में चलते थे प्रकोष्ठ, तो एसटीएससी का ब्लॉक अध्यक्ष रहा मैं 6 साल तक। 2006 में मेरी नौकरी लग गई, मैं सर्विस में चला गया। किसमें सर? मैं टीचर था जी जी जी, मैं टीचर रहा और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी चित्तौड़ में रही, उसके बाद मैं ट्रांसफर होकर के यहाँ नवागाम आया बरतापुर के पास में। उसके बाद फिर भी सेवाएं लोगों की चलती रहती थी, मेरा शुरू से लोगों के सेवा करना, किसी की तकलीफ दूर करना, ये मेरे शामिल है। मैं किसी के तकलीफ नहीं देख सकता, सही ईमानदारी की बात बताऊँ। ये राजनीति अपनी जगह पे एक प्लेटफॉर्म है कि इस माध्यम से अपन दो लोगों का भला कर सकें। उसके बाद मन नहीं रमा नौकरी में, और मैं एक्चुअल में कल्याण धाम पर सेवा करता हूँ। 2013 में मालिक ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि तू ज़्यादा समय तक नौकरी कर पाएगा, राजनीति में अगर जाना चाहे तो सोच। 2013 में मैंने नौकरी छोड़ी, वो भी एक प्लेटफॉर्म था समाज सेवा का जरिया था जी। क्या मानते हैं? टीचरशिप बिल्कुल समाज सेवा का माध्यम है, लेकिन आप खुल के काम नहीं कर सकते लोगों का, क्योंकि सरकारी सेवा में रहते हुए आपको अगर सरकारी तंत्रों में लड़ाई लड़नी है तो वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आप खुद सरकारी नौकर हैं और आप ये सार्वजनिक लड़ाई अब लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप पे कई तरह के क्लेम लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको वास्तव में सेवा करनी है तो निकलना तो पड़ता है। वैसे कई जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी कहा था, मैं पहले राजनीति से बहुत नफरत करता था, बहुत ईमानदारी की बात, मुझे ये लगता था कि नेता लोग मिलकर के पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन किसी बंदे ने, किसी बड़े भाई ने कहा था कि अगर लगता है तुझे कि राजनीति में गंदगी है तो अंदर उतर और साफ कर, अगर तुझे बेहतर लगता है। 2013 में उसने भी कहा था जी, मान वैज्ञानिक, तो हो सकता है उन्होंने वही शब्द माध्यम से मुझे कहा कि आप अगर कीचड़ में उतरना तो पड़ेगा, अगर साफ करना है तो जी। 2013 में फिर नौकरी छोड़ के मैं आया। उसके बाद मैं प्रदेश सचिव रहा एसटी विभाग में, माननीय शंकरलाल जी मीणा मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद वापस मैं भी वर्तमान में जिलाध्यक्ष पोस्ट अभाव युक्त पोस्ट कांग्रेस का, और चुनाव लड़ने के लिए हमेशा से निवेदन किया टिकट का, लेकिन टिकट दिया नहीं कांग्रेस ने, क्या कारण रहे होंगे वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फिर मैं निर्दलीय लड़ा और मोटी बस्सी की महान जनता ने मुझे खुद बुला करके कहा कि आप यहाँ से लड़िए। आप हमेशा यूथ में रहे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, पार्टी ने हमेशा नज़रअंदाज किया, क्या आपके मन में कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी एक्चुअली मेरे रगों में, मेरे पिता ने पूरा जीवन कांग्रेस में गुजारा था, और मेरे ख्याल से वो पहले ऐसे बंदे रहे होंगे, बचपन से मैं उनको देखता आ रहा हूँ, कि जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के कांग्रेस को सेवा दी। वो सरकारी सेवा में थे, वेटरनरी डॉक्टर थे, लेकिन बावजूद उसके भी वो कांग्रेस के लिए काम करते रहते थे, और उनके मुंह से मैंने कांग्रेस की सेवा कभी बात सुनी नहीं। तो बचपन से जिस पार्टी का नाम सुनते सुनते बड़े हुए, जाहिर बात है उनकी तरफ झुकाव होना ही था, क्योंकि बचपन में जो छाप छूटती है वो जाती नहीं है।
रही बात कांग्रेस पार्टी के नज़रअंदाज करने की बात, मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी को समझ में आएगा कि नहीं यार योग्य है देंगे मौका, ऐसा मैं सोचता हूँ। गढ़ी विधानसभा की बात करें अपन जी, तो भारतीय ट्राइबल पार्टी जैसे अर्थुना के अंदर पहचान बैठा जी, क्या मानते हो क्या भविष्य मानते हो भारतीय ट्राइबल पार्टी और कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी पहले तो आप ये समझेंगे बीटीपी पनपी क्यों जी, वो होता ही है हमेशा हर पंचायत का ये मसला है कि जितने भी पुराने नेता रहे जी वो कभी भी मौका नहीं देते काम करने वालों को, तो जो युवा वर्ग अच्छा बेहतरीन काम करता था मेहनत करता था उनको मौके नहीं दिए गए, यहाँ तक कि उनको संगठन में भी मौके नहीं दिए, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने नाराजगी से अपनी पार्टी बना ली और वो भी समाज को माध्यम बना के बनाई, तो बेहतर ढंग से वो लोग जुड़ रहे हैं उनसे। जहाँ तक बीटीपी के भविष्य की बात है, मुझे ये की कमी नज़र आती है वहाँ पर, वो ये नज़र आती है कि बीटीपी में नेतृत्व की कमी है, अगर कुशल नेतृत्व हो वहाँ तो हो सकता है आने वाले कल में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा। यहाँ तक कि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कल को कांग्रेस समर्थित सरपंच बनाने भारी पड़ जाए। यूथ बीटीपी में ज़्यादा यूथ ज़्यादा है क्या मानते हैं, और यूथ है देश का भविष्य? जी बिल्कुल बिल्कुल, बीटीपी में युवा जुड़ा है ज़्यादातर, मैंने नोटिस किया 15 साल से लगा करके 25 साल के बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हैं जी जी। ये बात तो, और वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, युवा त्वरित फैसले चाहता है, उसको डिसीजन चाहिए होता है, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है कि उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, या हो सकता है उनको मौके नहीं मिल रहे हैं, या हो सकता है कि उनके पिता जिंदगी भर कांग्रेस में काम करते रहे और उनको मौके नहीं मिले, तो उस नाराजगी में युवा गया हो, लेकिन युवा जुड़ा बीटीपी से पूरी तरह से। अभी आप डायरेक्टर बने हैं कांग्रेस पार्टी, क्या एजेंडे क्या मुद्दे हैं अपने क्षेत्र की, कौन सी मुख्य समस्या है जिनका विशेष तौर से आप ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे, क्योंकि सरकार भी आपकी? मैं कांग्रेस पार्टी मेरे दिलों में है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि मैं निर्दलीय लड़ा हूं जी जी, और निर्दलीय जीता हूं जी, लेकिन बावजूद इसके भी सरकार हमारी है, हमारे जो नेतृत्व हैं ऊपर वहाँ से कोशिश करेंगे कि बेहतरीन काम लाएं, क्योंकि अगर बाय द वे काम करके दिखाएंगे तभी तो कांग्रेस पार्टी का वजूद वापस जिंदा होगा। रही मुद्दों की मुद्दे, तो आप ये समझ लें ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विधानसभा गढ़ी में ऐसा मुद्दा नहीं है, जो मुद्दे जिसको कहते हैं मुद्दों के ढगले लगे हुए ढेर लगे हुए हैं जी जी। आप समझ लीजिए सड़क देख लो आप, कई गाँवों में हालतें खराब हैं, बिजली की हालतें खराब हैं, लोगों के बेचारों की मतलब त्राहीमाम जैसी स्थिति है, कई जगह मैंने देखा है लोगों को आवास नहीं मिले, कई जगह लोगों के पैसे उठ गए हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे पैसे कहाँ गए, मतलब यहाँ तक कि बेचारे रोजगार गारंटी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के पैसे भी गायब हैं और दूसरों के खाते में जा रहे हैं। कुल मिला के ये मान सकते हैं भ्रष्टाचार हावी, इसमें कुछ भ्रष्टाचार का फर्क और आज का तो है नहीं, देखो आज़ादी से लगा के मैं समझता भ्रष्टाचार है सब जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप ये जो जमीन से जुड़े हुए जो गरीब लोग हैं कम से कम उनको बख्श देना चाहिए, हजार और 2000 रुपये लोगों के गायब हो जाए वो कैसे सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जबकि एक तरफ बड़ी बड़े अक्षरों में हमेशा आता है विज्ञापनों में कि हम ये पैसा डाल रहे हैं ये पैसा डाल रहे हैं, जनता तक तो पहुँच नहीं रहा, मैं समझता हूँ उस पर काम करने की जरूरत है। क्या कोई विशेष पार्टी पर ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे, या सभी पार्टी में हालात हुए, या कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार होता है, या बीजेपी आती है तभी भ्रष्टाचार होता है, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ मैं नहीं समझता हूँ, देखो भ्रष्टाचार तो मेरा ये मानना है कि पार्टी इसमें कहीं वो नहीं है, पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है और बड़े नेता बेहतर काम कर रहे हैं जी जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ उसको उसको आमली जामा जो पहनाना है धरातल पे जी जी, उसमें कहीं ना कहीं चूक है, और मैं समझता हूँ उसमें स्थानीय नेता सही से काम नहीं कर पा रहे। यूथ है जो विशेष तौर उभर कर रहा है, जनता विश्वास करे, क्या यूथ पे विश्वास करना सही है जिस प्रकार से आप आ रहे हैं, या आसपास के अपने जहाँ भी देख रहे हैं, अखबार सरपंच भी आए हैं, कार्यकारिणी में भी ज़्यादातर यूथ है, बीटीपी में भी यूथ है, तो जो यूथ उतर रहे हैं क्या उन पे भरोसा करना सही है, क्या वो समाज के अंदर अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मेरा ये मानना है आप उठा के देख लीजिए पूरे विश्व लेवल की राजनीति, मतलब हालात ये हैं कि कहीं कहीं तो बहुत कम उम्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पूरे देश को संभाल रहे हैं, तो एक पंचायत नहीं संभाल सकता युवा, और मैं समझता हूँ कि युवा को इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुजुर्गों को दरकिनार किया जाए, लेकिन बुजुर्गों की अपनी भूमिका हो एक निश्चित समय के बाद, भाई वो भी कभी युवा रहे होंगे, वो अपने युवा टाइम के लेकर के और एक निश्चित समय तक काम करें, उसके बाद मौका दे युवाओं को, क्योंकि युवा में एक ऊर्जा होती है, एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज़ कब होगा, क्या वेट कर रहे हैं, क्या उसको बुजुर्ग होने तक का वेट कर रहे हैं आप कि वो बूढ़ा हो जाए उसके बाद उसको आप मौका देंगे, वो काम कैसे करेगा, उसके अंदर अभी विजन है, मतलब युवा जब भी निकलता है सब राजनीति के लिए उसमें एक जोश होता है, एक उत्साह होता है कि मेरे को जब मौका मिलेगा मैं लोगों के लिए ये काम करूँगा वो काम करूँगा, लेकिन आप उसको एक बार दो बार चार बार इस तरह से पटकते रहेंगे एक समय आएगा उसका उत्साह खत्म हो जाएगा,
तो उसके मेरे ख्याल से उनकी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और युवा बेहतर काम कर सकता है। आपके साथ आप रेगुलर यूथ में रहे हैं हमेशा और विधानसभा एमएलए की टिकट की दावेदारी की है, आपको हमेशा दरकिनार किया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? अब यूथ को लेकर विशेष तौर से युवा चेहरे के रूप में उतरे थे आप जी, विगत 10 सालों से मैं देख रहा हूँ जी, लेकिन हमेशा जैसे नज़दीक समय आता वापस वही कंडीशन हो जाती जी, तो कहीं ना कहीं जी युवाओं की चूक है या क्या माने, या कांग्रेस पार्टी की चूक है, कैंडिडेट का सेंस चेंज नहीं कर पाती, क्या मानते हो? मैं बहुत स्पष्टता से स्वीकार करना चाहता हूँ कि मेरे को ये लगता है कि चयन प्रक्रिया में गलती है जी जी, या तो सर्वे होती नहीं है जैसा कि बताया जाता है, और आनंद फान मैंने अधिकांश ये नोटिस किया कि पार्टी एन वक्त पे फैसले लेना चाहे, एक एन वक्त पे फैसले नहीं होते। मेरे ख्याल से फैसला लंबे समय 6 महीने पहले से शुरुआत हो जानी चाहिए इस चीज़ की, कि भाई आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, मालूम कीजिए कि जनता किसको स्वीकार कर रही है, इसके आधार पर आपको टिकट का चयन करना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं समझता हूँ पार्टी आदमी तो कल इस चीज़ को सोचेगी, और युवा जहाँ तक बात मैं धन्य मानता हूँ, आज ये ज़माना है जहाँ बाप के कहने पे बेटा वोट नहीं डालता है, ऐसे हालातों में युवा एक तरफा मेरे साथ है, और मतलब मैं उनका बड़प्पन मानता हूँ, उन यूथ का जो बिल्कुल, भले आपको मैं बड़प्पन की बात नहीं करूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हो, बीटीपी से जुड़ा हुआ या कांग्रेस से जुड़ा हुआ, लेकिन युवा एक तरफा मेरे साथ रहता है, उसका यही है कि कहीं ना कहीं शैलू भैया बन के आगे निकले। अब की बार चुनाव प्रचार किया आपने, चुनाव मैदान में उतरे, किस प्रकार की समस्याएं लोगों ने आपका किस प्रकार से कवरेज किया आपको? समस्या तो देखो साहब, निर्दलीय चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी मशक्कत का मैदान होता है, क्योंकि एक तो पार्टी के निश्चित वोट होते हैं जी जी, भले वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीजेपी हो, और एक आपको उसमें से निकालना वोट पे जी, उसमें रात और दिन का फर्क होता था जी जी। और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, ईमानदारी की बात बताऊँ मुझे मुश्किलें इसलिए नहीं आई साहब, क्योंकि मैं ये कहते हैं ना बरसाती मेढक की तरह स्थिति नहीं है जी, मैं 12 महीने और 24 घंटे काम करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, लोगों के काम करता हूँ, लोगों ने इस चीज़ को देखा कि ये वो व्यक्ति जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है जी जी, और लोगों ने पोकट की। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं से तो सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा धीरज उनको भी रखने की ज़रूरत है जी, जल्दबाजी के जो निर्णय होते हैं वो हमेशा घातक होते हैं और आत्मघाती होते हैं। मेरा ये मानना है कि युवा थोड़ा इंतज़ार कर लें, मैं समझता हूँ आज तक उनको समय मिलेगा, मौका मिलेगा, हो सका है कि पार्टी आज नहीं तो कल हमारे देशों को नेतृत्व देगी, तो उनको हर तरह से मौके मिलेंगे, कि हमने इन चीज़ों को भुगता है, सहन किया है पिछले कई सालों से, तो मैं समझता हूँ कि अगर मालिक ने मौका दिया या पार्टी इस चीज़ को समझेगी तो आने वाले कल में युवाओं को मौका देंगे, समय लग सकता है, लेकिन उनको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपनी ऊर्जा को बचा के रखें, अनावश्यक खर्च ना करें। और मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़े की बात कर सकता हूँ, बाकी जिसकी जो विचारधारा है वो तो वहाँ काम करेगा ही करेगा। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए दो शब्द जिन्होंने आपको जिताया है, उस पर मैं मोटी बस्ती की जनता की जहाँ तक बात करूँ साहब जी, मैं मोटी बस्ती की महान जनता बोलता हूँ, इसका कारण यही है साहब कि मैं मुझे जैसा उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए वहाँ बुलाया वैसा उन्होंने भर भर के प्यार दिया, और मैं समझता हूँ कि मोटी बस्ती की जनता का मुझ पर इतना बड़ा कर्ज हो गया है कि मैं ये सोचता हूँ अब कि मैं इस छुपाऊँगा कैसे उस कर्ज को, कोशिश करूँगा कि मैं इस कर्ज को छुपाऊँ। तो यह थी खास मुलाकात शैलेंद्र जी रोहत यूथ जो युवा नेता है उनसे, बने रहिए आर्थिक न्यूज़ के साथ, आगे हम आपको नई ताज़ा तरीन और युवा नेताओं से उनके जो विचार है आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।